दो पार्ट में लाना पड़ेगा, एक पार्ट में हम लोग देख चुके हैं क्योंकि अब तो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, एक पार्ट में देखिए, दूसरा पार्ट में देखिए, केस नंबर टू। केस नंबर टू को हम लोग बोलते हैं कौन सा मोड। अच्छा, इस केस में अगर हम ट्यूब लेंथ डिफाइन करें, कौन सा लेंथ, पहले ट्यूब लेंथ डिफाइन कर लेते हैं। ट्यूब लेंथ तो कहोगे ट्यूब लेंथ क्या होता है, पहले देखो ये कहाँ पर इमेज बनाई, छोटा वाला डिस्टेंस वी नॉट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक आप यू का वैल्यू किसके बराबर निकाले हैं, एफ यू के बराबर। यहाँ से यहाँ तक क्या था, यू था, इसका वैल्यू किसके बराबर निकाले। तो इन दोनों लेंसे को, लेंसों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्यूब लेंथ, ट्यूब की लंबाई, ट्यूब की लंबाई, ट्यूब लेंथ या ट्यूब की लंबाई। ठीक, तो अब तुम अपने कॉमन सेंस से बताओ यहाँ पर ट्यूब लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा। अरे बोलो ना, रे वी नॉट प्लस एफ यू, कितना हो जाएगा, नॉट प्लस एफ यू। समझ में आया या नहीं आया, जबरदस्ती आया कि। देखो ट्यूब लेंथ क्या होता है, ये कितना पर इमेज बना रहा है, ये वाला वी नॉट, और यहाँ पर यू वी पर बना रहा है, लेकिन हम लोग इस केस में अभी ले रहे किए हैं कि यू वी फंगल किसके बराबर है, तो हम लोग यू वी के बदले क्या लिखेंगे। अब दो लेंसों के बीच की जो दूरी होती है वही ट्यूब लेंथ है, तो ट्यूब लेंथ कितनी होगी, वी नॉट प्लस, हाँ या ना। ओके, अब हम लोग केस नंबर टू पे चलें। केस नंबर टू क्या है बताइए, स्ट्रेस मोड। स्ट्रेस मोड में कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, इमेज विल फॉर्म एट डी, डी को क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, क्या बोलते हैं, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कौन सी दृष्टि की, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, फिर से लेंस फॉर्मूला, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ ई। अब बोलो क्या लिखेंगे, वन बाई माइनस डी, आई लिखो माइनस वन बाई माइनस माइनस वन बाई यू ई इज इक्वल टू वन बाई एफ ई, हो गया। इसका माइनस इधर आके, अरे माइनस माइनस कल वाला ही डेरिवेशन तुम्हें लग रहा होगा वन, लेकिन आधा आधा तो पूरा कॉम्प्लेक्स था, तो बोलो कितना, वन बाई यू ई इज इक्वल टू क्या होगा, वन बाई डी प्लस वन बाई। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ डी, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ कैपिटल डी या स्मॉल डी, क्या वैल्यू है, तो डी बाई यू का वैल्यू क्या निकल गया, बोले देते हैं वन प्लस, या सुनो अभी यहाँ से तुम्हारा, सुनो यहाँ से तुम्हारा दो चीज बनता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, ट्यूब लेंथ निकालने के लिए हमको यू ई का वैल्यू चाहिए, क्या निकालने के लिए, ट्यूब लेंथ। अब तुम सोचो यू ई तो आसानी से यहाँ आ गया है ना, बोलो ना जी, आसानी से यहाँ नहीं आया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर दो बोलो, वन बाई यू ई इज इक्वल टू डी इंटू एफ ई, और इधर डी प्लस एफ ई, एफ ई प्लस डी, बात बराबर, पलट दो, क्या लिखेंगे, यू ई इज इक्वल टू डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ऐसा नो। तो इसलिए निकाला गया है कि ट्यूब लेंथ लिखना है, क्या लिखना है हमें, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होता है, वी नॉट प्लस यू ई, अब यहाँ पर वी नॉट तो रहेगा, लेकिन यू ई का वैल्यू आया हमारा डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस, ऐसा नो, हाँ या ना, ये आपकी कहानी है। तो तुम लोग फोटो वोटो खींचे, मतलब लिखे हो गया कि नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, डेफिनेशन क्या नाम है,
डेफिनेशन का डायग्राम घर से बनाना है, मतलब एनसीईआरटी से बनाना है, घर से एनसीईआरटी से, ये आपका हो गया। इसमें एक स्पेशल केसेस से डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा कुछ नहीं है। क्या है सुनो, अगर हम लोग ध्यान से देखा ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं जस्ट आउटसाइड करते हैं, तो हम यूई यूओ को क्या हम फोकल लेंथ नहीं मान सकते हैं? एफ नॉट बोलो ना, मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली, कोई दिक्कत वाली बात? अब जो हमारा इमेज बनेगा इसका, तुम्हें पता है कि कहाँ पर बनेगा? अनंत। हम जो लेंस ला रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं कि अनंत पे बनेगा, अनंत के जस्ट बाहर है, तो अनंत पर नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि हम इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं, इसको किसके अंदर लाना है? फोकस के अंदर। फोकस के अंदर मान लें यहाँ पर फोकस है, अब इसके अंदर कितना ला सकते हैं? ला सकते लाते 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 जस्ट लेंस के पास लाएंगे, इसके पास। तो जो हमारा ये वी नॉट होगा वो ट्यूबलेंथ के बराबर होगा क्या? बोलो ना जी। इस केस में हमारा कभी कभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस तरह से देखने को मिलता है, उस समय बच्चा समझता है पता नहीं कहाँ से आ गया, वी नॉट हो गया एल, वी नॉट हो गया एफ नॉट इन टू वन प्लस क्या, रुक जाओ, कभी ये डी बाई एफ ई होगा या कभी होगा एल अपॉन एफ नॉट इन टू वन प्लस डी बाई। तो ये समझना है कि एल बाई एफ नॉट क्यों आ गया, समझ में आया नहीं आया? बोलो ना, ये एक्स्ट्रा केस है, ये फॉर्मूला से याद रखना है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, उस समय कंफ्यूज मत होना कि बाप रे बाप सर कहाँ से बता दिए, एल कहाँ से आ गया, यू एल कहाँ से आया? ट्यूब लेंथ वी नॉट के बराबर होगा, यू ई जो है हमारा ई वो है क्या बराबर एफ नॉट के बराबर। क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट कंफ्यूजन? पक्का? चलिए तो फटाफट आपको लिखते जाना है, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी से बनाएंगे, बाद में एक बार और मैं स्क्रीनशॉट का कहानी अवेलेबल करवा दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से, ठीक। उसके बाद इसका स्क्रीन शॉट लेना है, ढंग से देखो कैमरा में सब कुछ आ ही रहा होगा लगभग। उसके बाद इसका स्क्रीन शॉट लेना है, नहीं नहीं उसके बाद इसका स्क्रीन शॉट लेना है, उसके बाद इसका स्क्रीन शॉट लेना है, उसके बाद इसका स्क्रीन शॉट लेना है। ये आपके प्रूफ में नहीं है,